Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा, आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रही गुलाबी चाय, तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच ग्रीन टी के लिए और इसी के साथ बादियान का फूल लिया है, थोड़ी सी हरी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का, दूध इस्तेमाल करेंगे हसबे ज़रूरत, ये केवड़ा एसेंस, ये थोड़ा सा जस्ट पिंच यूज़ करेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, ये मीठा सोडा है, पिस्ते और बादाम है, और हमें ठंडा पानी चाहिए होगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब हम अपनी चाय बनाएंगे। तो तब तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मैंने 4 कप पानी लिया है और उसके अंदर मैंने अपनी ग्रीन टी डाल दी है। अब इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये पत्ती मैंने डाल दी है इसके अंदर, जैसे ही इस पत्ती के जो पत्ते हैं वो ज़रा खुल जाएंगे, खिलेंगे, तो फिर हम इसमें आगे सोडा डालेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से जो है हम फेंटेंगे, क्योंकि इसको फेंटने से इसका कलर आता है। फिर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, बस जैसे ही पत्ते उबलेंगे फिर हम इसमें अपना सोडा डालेंगे। इसमें लगभग मानी रेंग के साथ ये देखिए चाय के पत्ते जो है खिलना शुरू हो गए। अब इस मोमेंट पे हम इसमें सोडा डालेंगे। सोडा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। मैंने 4 कप पानी इसमें डाला है, जब तक इसमें 3 कप पानी जो है वो खुश्क हो जाए, यानी 1 कप पानी रह जाए, तब तक इसको पकाएंगे। फिर इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे, 3 कप इसमें ठंडा पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से फेंटेंगे और फिर हमारी चाय जो है वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए चाय में माशाल्लाह से गुलाबी कलर आना शुरू हो गया। बस थोड़ी देर के बाद मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी। आपके पास बर्फ़ है तो बर्फ़ डाल लें, नहीं तो बिल्कुल ठंडा बर्फ़ जैसा पानी डाल लीजिए। तो इसको अच्छे तरह से बस फेंटते जाइए, जितना हम इसको अच्छे से फेंटेंगे उतनी ही गुलाबी चाय बनेगी। चीनी या नमक मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि कहवा जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, तो जब भी हमें ज़रूरत होगी हम तभी इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आप चाय का कलर देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब इस स्टेज पे हम इसमें ठंडा यख बर्फ़ वाला पानी डालेंगे, ये देखिए। थोड़ी सी आइस भी जो है वो साथ ही डालूंगी। ये 4 कप पानी मैंने मेजर करके रखा था। बर्फ़ डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे चाय का कलर निकलता आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं बर्फ़ डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट अच्छी तरह से फेंटा। माशाल्लाह से चाय का कलर देखें बिल्कुल गुलाबी आ चुका है। अगर आपकी चाय का कलर गुलाबी ना हो तो आप इसमें थोड़ी बर्फ़ और ऐड कीजिए और इसको अच्छी तरह से फेंटें। अब हम जो इस कहवे को अलहदा से छान लेंगे और फिर इसको दूध में मिक्स करेंगे, तो अभी आपको दिखा देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारा ग्रीन टी का कहवा जो है रेडी हो चुका है। तो अब मैं दूध गर्म करूँगी और फिर हंसपे ज़रूरत उसमें कहवा डालेंगे और आपको डिश ऑफ करके दिखाते हैं। कहवा रेडी कर लिया और दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें हसबे ज़रूरत कहवा डालेंगे। कहवा डालने के लिए और ये देखिए कहवे का कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारी चाय पक गई। अब मैं इसको प्याली में डालूंगी। पिस्ते और बादाम मैंने चाय में दूध में ही डाल के अच्छे से पका दिए। तो लीजिए हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म खुशबूदार पिंक चाय जो है वो तैयार है। तो आप भी इंजॉय कीजिए ठंडे ठंडे मौसम में और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।